अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ ये फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये फ़िश की रेसिपी बहुत जल्द बन जाती है, ये इंस्टेंट रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को फुल वॉच करें। तो यहाँ मैंने लिया है फ़िश के पीसेस और हेड, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। यहाँ मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, अगर आप तीखा कम या ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड करें। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें 1 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी पाउडर मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। और अब यहाँ मैंने लिया है इमली कपल और इसे अच्छे से छान लेंगे और फिर ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करें और ये मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे इमली के पल्प को। ये देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और रेडी है मसाला। तो अब हम इसमें लास्टली ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला रेडी हो चुका है तो अब हम इसमें सारे पीसेस ऐड करते जाएंगे, मसाला को अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए हेड को भी ऐड कर देंगे फिश के और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए खुले से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल हीट हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरे को क्रैकल होने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें, मीडियम फ्लेम पे हम ज़ीरे को क्रैकल कर लेंगे। ये देखिए ज़ीरा अच्छे से क्रैकल हो चुका है। अब हम इसमें फिशेस के सारे पीसेस एक एक करके ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करें, ध्यान से ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का हल्का मिक्स करेंगे क्योंकि फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है और इसलिए हम ध्यान से चम्मच चलाएंगे। ये देखिए सारी फ़िश ऐड हो चुकी है। ये देखिए फ़िश को थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे, फ्राइड अनियंस पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड करें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच घुमाते हुए चलाते हुए और इसे पीसेस पे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा प्रेशर ना डालें, हल्का हल्का ही मिक्स करें। ये देखिए अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। और यहाँ मैंने मसाले में थोड़ा सा पानी डालकर ऐड कर दिया है, बचा हुआ मसाला ऐड कर दें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये और पक चुका है, या तो अब हम इसमें लास्टली ऐड करेंगे धनिया और ज़ीरा पाउडर, इससे काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी ग्रेवी बनती है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर दें। यहाँ मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है, अगर आपको ग्रेवी थिन चाहिए या थिक चाहिए उस हिसाब से ऐड कीजिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत जल्द बन जाती है इंस्टेंट रेसिपी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत झटपट बनने वाली है फ़िश की ग्रेवी। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ देखिए ये अच्छे से ग्रेवी बन चुकी है, ऑयल सेपरेट होने लगा है, ऑयल सरफेस पे आ चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व करें या फिर राइस के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है ग्रेवी। आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।